Welcome students on my channel Let's Learn Physics. I am Deepak Chaudhary. Students, जैसे रे ऑप्टिक्स की सीरीज चल रही है उसमें आज लेक्चर नंबर 4 है. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. स्टूडेंट, इससे पहले मेरे 3 लेक्चर 1, 2, 3 में डिस्कस किया गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कॉनकेव एंड कॉनवेक्स मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉनवेक्स मिरर. तो आप उसे देख सकते हैं. तो स्टूडेंट, आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कंप्लीट हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है. आज बिल्कुल एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बाद ही हम एंटर कर जाएंगे लेंस में. तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम देखते हैं. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या स्टूडेंट्स? व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल वन मीडियम टू अनदर मीडियम. जैसे कि यहां पे हम देखेंगे रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है हमारी, तो वन मीडियम टू अनदर. आप देखेंगे कि ये इंसिडेंट रे आई है, इंसिडेंट रे, और यहां पे ये वन मीडियम है आपका. वन मीडियम यहां पे हमने मान लीजिए ये एयर है, और ये आपका दूसरा मीडियम आपका ग्लास में जा रही है. तो स्टूडेंट, ये क्या है, थोड़ा सा अपने पाथ से बैंड हो जाती है, यानी अपने पाथ से क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है. एक्चुअल पाथ देखा जाए तो रे ऑफ लाइट का ये था आपका, क्योंकि रे ऑफ लाइट क्या है, स्ट्रेट लाइन जा रही है आपकी, स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए थी, लेकिन ये अपने पाथ से थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई है, यानी कि थोड़े से पाथ से क्या हो गई है, ये आपकी बैंडिंग हो गई है. तो रे ऑफ लाइट का बैंडिंग हो जाना, यानी कि ये रे कौन सी आपकी, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, यानी इंसिडेंट रे आई, और ये आपकी इंसिडेंट रे आई और अपने पाथ से थोड़ी सी बैंडिंग हो गई है, अपने पाथ से थोड़ी बैंडिंग हो गई है. तो अपने पाथ से थोड़ा बैंडिंग हो जाना, ये जो फिनोमिना है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो यहां पे देखेंगे कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्यों है, क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगर देखा जाए किस लिए हुआ है, क्योंकि इंसिडेंट रे और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, ये वन मीडियम से अनदर मीडियम में गई है. तो जब वन मीडियम से अनदर मीडियम में गई है तो हम देखते हैं यहां पर अगर इसकी स्पीड v1 है तो यहां पर स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट v2 हो जाएगी. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्यों है, जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी एयर से ग्लास में गई है, तो ये अपने पाथ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई है, यानी बेंडिंग हो गई है टूवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ये थोड़ा सा बैंड हो गई है. तो ये क्या है आपका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रे ऑफ लाइट आपकी जब ट्रेवल करती है वन मीडियम से अनदर मीडियम में, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई है, दोनों मीडियम में चेंज है. यहाँ पे v1 है तो यहाँ पे क्या, ये v2 है. दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम देखेंगे यहाँ पर कि इसमें कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को हम फॉलो करेंगे. उस रूल्स को फॉलो करने से पहले कुछ टर्मोलॉजी में क्लियर कर देना चाहता हूँ स्टूडेंट. एक होता है रेयर मीडियम, रेयर मीडियम इसे थोड़ा सा देखेंगे. रेयर मीडियम जैसे हमने एग्जाम्पल लिया एयर, और एक है स्टूडेंट डेंसर मीडियम. ये टर्मोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए, डेंसर मीडियम, जैसे कि हमने ग्लास लिया है या वॉटर लिया है, तो ये टर्मोलॉजी हमें क्लियर होना चाहिए. रेयर मीडियम है आपका एयर, और डेंसर मीडियम है आपका जैसे कि ग्लास है या वॉटर है. रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हमेशा लेस होगी, और यहाँ पे डेंसर मीडियम में यहाँ पे कि कंपैरिजन में यहाँ पे स्पीड रेयर मीडियम में क्या है, थोड़ा स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे फास्ट होगी, और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे कम होगी. डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है एज कंपेयर टू रेयर मीडियम में. इसे मैं एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा. तो यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का था, तो एक टर्मोलॉजी में क्लियर रहनी चाहिए. अब कुछ रूल्स देखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए क्या रूल्स है. तो यहाँ पे रूल्स देखते हैं स्टूडेंट्स, रूल्स क्या है. तो यहाँ पे कुछ रूल्स है, ये रूल्स हमें फॉलो करने होंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में. रूल 1, और यहाँ पे हम रूल 2 देखेंगे. तो पहला क्या है आपका रूल 1 में,
इंसिडेंट रे कहां से जा रही है आपकी रेयर मीडियम, रेयर मीडियम से किस में जा रही है डेंस सेल में, और इसमें क्या है आपका इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम टू रेयर में देखेंगे, रेयर मीडियम में देखेंगे, ये डेंसर मीडियम में, यानी कि यहां पे अगर आपका देखा जाए तो यहां पे आपका ये एक तरीके से ये मान लीजिए एयर से किसमें जा रही है आपकी ग्लास में जा रही है, तो ये वाला एग्जांपल आप मान सकते हैं। और यहां पे कौन सा रूल होगा, अगर ग्लास से किसमें जा रही है एयर से जा रही है ग्लास टू एयर, तो यहां पे जब एयर से ग्लास में जा रही है यानी रेयर से डेंसर में जा रही है तो इंसिडेंट रे थोड़ा सा बैंड हो जाती है टूवर्ड द नॉर्मल बैंड हो जाती है, ये आपका तो इंसिडेंट रे बैंड हो गई है टूवर्ड द नॉर्मल। तो इस वाले केस में हमें ध्यान रखना होगा जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड केस में यहां पे हमने एयर माना है, ये हमारी एयर है और ये क्या है हमारा यहां पर ग्लास है, इस सेकंड वीडियो हमने ग्लास लिया है। अब यहां पे देखें इसमें इसमें रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है ग्लास, ग्लास से किसमें जा रही है एयर में, यानी डेंसर से, डेंसर से किसमें जा रही है रेयर मीडियम में, तो आपका इस समय ये इसमें तो टूवर्ड द नॉर्मल हुई थी, इसमें क्या है अवे द नॉर्मल हो जाएगी, इसमें क्या है नॉर्मल से थोड़ी सी हट जाएगी, तो यहां पे इंसिडेंट आई है। तो यहां पे इस वाले केस में क्या कंडीशन आती है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें ग्रेटर हो जाता है और एंगल ऑफ इंसिडेंट लेस देन होता है। तो रूल नंबर वन है, रूल नंबर वन में जब एयर से ग्लास में जाती है तो टूवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी, और जब ग्लास से एयर में जाती है यानी कि डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे द नॉर्मल हो जाती है, ये रे ऑफ लाइट। एक रूल नंबर थ्री भी है वो भी देख लेंगे, रूल नंबर थ्री भी देखें, रूल नंबर थ्री थ्री क्या है आपका कि तीसरा केस क्या है, अगर इंसिडेंट रे क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है वो इंसिडेंट रे वन मीडियम यानी के एयर से ग्लास में जा रही है और वो सीधी आ रही है, ये मान लीजिए ऐसे आई नॉर्मल की तरफ आती है और नॉर्मल सी पास हो जाती है, यानी कि मेरी एक इंसिडेंट रे है ये मेरी रिफ्रेक्टेड रे है। तो स्टूडेंट्स इस वाले केस में यानी कि नॉर्मल के अलोंग आती है रे ऑफ लाइट, तो इस वाले केस में इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल, इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे सेम होंगे और कितने एंगल मेक करेंगे ये जीरो। तो तीन रूल्स है जो यहां पे आपसे देखे, तो रूल नंबर वन, रूल नंबर टू, रूल नंबर अब यहां पे अब हम इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट में, अब हम यहां पर एंटर करेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और अब हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जैसा कि आपने आपने देखा था किसमें, आपने देखा था रिफ्लेक्शन में ऐसे ही टू लॉज होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी सेम होते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसमें जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्या होता है आपका इंसिडेंट रे रिफ्रेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइंग इन ए सेम प्लेन। अगर ये लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन की जगह रिफ्लेक्शन लेते तो रिफ्रेक्टेड रे की जगह यहां पे रिफ्रेक्टेड रे आ जाती, रिफ्रेक्टेड रे आ जाती। सेकंड देखें, सेकंड क्या है आपका सेकंड लॉ के लिए देखें कि यहां पे आप इंसिडेंट रे
फिर एक बार डायग्राम ड्रॉ कर देते हम लोग। ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आई, ये एयर से फिर किसमें जा रही है ना, आपकी ग्लास, तो ये इस तरफ टूवर्ड द नॉर्मल बेंडिंग हो जाती है। तो इस वाले केस में अगर हम देखें तो सेकंड लॉ क्या कहता है, इसका सेकंड लॉ ये कहता है कि एंगल साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना, और ये क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो रेशियो है वो क्या होगा यहां पे, कॉन्स्टेंट। तो आई रिपीट अगेन, तो यहां पे क्या है सेकंड लॉ, सेकंड लॉ कहता है आपका, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन आई यानी इंसिडेंट टू रेशियो ऑफ साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी ये जो रेशियो रहेगा ये कॉन्स्टेंट रहेगा। अब ये जो कॉन्स्टेंट है ये कॉन्स्टेंट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इसे मीडियम वन मान लेता हूँ और इसे मीडियम में टू मान लेता हूँ, तो ये जो कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है इस कॉन्स्टेंट को बोला जाएगा यहाँ पर, ये जो कॉन्स्टेंट आप यूज करते हैं ये एक्चुअल में यूज होता है टू रेशियो, इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन। तो सेकंड लॉ आप देखेंगे ये रेशियो है और जो रेशियो कॉन्स्टेंट है इसे हम बोलेंगे कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। तो इसे एक बार दोबारा और देखते हैं सेकंड लॉ को, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड लॉ में आप देखें, तो सेकंड लॉ को एक बार और रिपीट करता हूं मैं, सेकंड लॉ थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देते हैं क्योंकि सेकंड लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो सेकंड लॉ आपका स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। तो इसे थोड़ा सा एक बार रिपीट और करते हैं, देखें रेशियो ऑफ साइन आई इक्वल टू साइन आर, रेशियो ऑफ साइन आई इक्वल टू साइन आर, वन रेशियो टू। इसे हम क्या रीड करेंगे, ये वन टू को क्या रीड करेंगे, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, या हम इसे सेकंड भी बोल देते हैं, सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, जिसे हम क्या बोल देते हैं। तो यहां पे ये आपका जो वन एंड टू है ये आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। तो यहां पे जो कॉन्स्टेंट है ये आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, और जो सेकंड लॉ है इसे हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। अभी स्नेल्स लॉ पे मैं फिर आऊंगा दोबारे, तो लेकिन अब मैं यहां पर टर्मिनोलॉजी क्लियर करने जा रहा हूं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो सेकंड लॉ पर फिर आएंगे थोड़ी देर बाद। तो यहां पे जो वन है ये समझेंगे, वन कौन सा मीडियम माना है जहां से इंसिडेंट रे आ रही है, और टू वन किसे माना है जहां इंसिडेंट रे एंटर कर रही है, यानी कि ये इंसिडेंट रे के लिए है और ये नंबर टू हमने क्या लिया है, ये रिफ्रेक्टेड रे के लिए लिया है। तो इस सेकंड लॉ स्नेल्स लॉ होता है, इस पर हम फिर आएंगे। तो अभी आप तो अब यहाँ पे आया है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्लियर करते हैं कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता क्या है, और ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है डिफरेंट एंड मीडियम के लिए। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स देखेंगे, सेकंड लॉ पे हम फिर आएंगे। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो ये क्या होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये क्या है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इसे बोला जाता है, ये भी रेशियो है, इट इज ए रेशियो, थोड़ा सा लिख देते हैं, इट इज ए
रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट लाइट इन मीडियम। तो यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बनने जा रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहां पर हम देखें स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम वैक्यूम तो हम इसे यू ले सकते हैं n इक्वल टू सी अपॉन वी सी अपॉन वी। और सी आप पता ही है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है सी स्पीड ऑफ लाइट सी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और वी क्या है?